हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। स्टूडेंट्स, टुडे इन योर ड्राइंग क्लास आवर टॉपिक इज डिज़ाइन। सो ओपन योर पेज नंबर 27। डिज़ाइन जियोमेट्रिकल यानी कि भौमितिक शेप से बनाई हुई डिज़ाइन। अ डिज़ाइन इज प्रिपेयर्ड इन अ स्क्वायर बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर फॉर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड। सो स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर में रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप का यूज करके यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाई है। देर आर टू डिज़ाइंस हियर, वन एंड टू। अ कैलीग्राफिक स्केच इज ड्रॉन इन वन एंड कलर्स आर फिल्ड इन द अदर। सो यहाँ पे जो दो डिज़ाइन दी है, फर्स्ट में आप देखो तो यहाँ पे कैलीग्राफी स्केच का यूज़ किया है, कैलीग्राफिक लाइंस का यूज़ किया है और उससे डिज़ाइन बनाई है। सेकंड में आप देखो तो यहाँ पे कलर्स फिल किए हैं। स्टडी द डिफरेंट लाइंस विच आर यूज्ड इन कैलीग्राफी। स्टडी द डिज़ाइन ऑल्सो इन विच कलर्स आर फिल्ड। Here, square and rectangle are arranged one over the other in both the design. So friends, आप यहाँ पे calligraphy lines का study करो। देखो आपको यहाँ पे dash lines दी है, standing and slipping lines and wavy lines की help से बहुत ही beautifully design create की है। सेकेंड में भी आप देखो शेडिंग के साथ कलर्स फिल किए हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क कलर्स एंड लाइट कलर्स, तो हर जगह आपको यहाँ पे देखो रेड एंड ऑरेंज का यूज़ किया है, तो थोड़ा सा शेडिंग भी किया है, राइट। देन आफ्टर अगर शेप्स का अरेंजमेंट देखो तो एक शेप के ऊपर दूसरा शेप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो वन ओवर दी अदर, तो एक शेप के ऊपर दूसरा शेप आपको अरेंज किया हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। जिससे यहाँ पे एक और नया शेप बनता है। आप देखो तो रेक्टेंगल और स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है, तो यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बन रहा है, राइट। द कलर्स और लाइन्स चेंज वेयर बोथ मीट ईच अदर। तो जहाँ पे दोनों फॉर्म्स मिल रहे हैं वहाँ पे जो नया फॉर्म क्रिएट किया है वहाँ पे देखो आप, तो कैलीग्राफी लाइंस भी चेंज हो जाती है एंड कलर्स भी यहाँ पे डिफरेंट फिल किया है, राइट। स्टडी इट। सिमिलरली नाउ पेंट द स्केच ऑफ स्क्वायर गिवन ऑन द राइट साइड और डू द कैलीग्राफी work by using different lines. Use pencil colors or chalk colors for painting. So children, right side आपको already drawing दिया है, right? अब इसमें आपको या तो calligraphy work करना है या फिर आप color fill कर सकते हो, ठीक है। So colors में आप ले सकते हो pencil colors और chalk colors। तो यहाँ पे आप देखो तो chalk colors का use किया है, right? आप चाहो तो पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो सिर्फ कैलीग्राफी वर्क भी कर सकते हो। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जिसमें मैं डिज़ाइन क्रिएट करूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल पे डिज़ाइन बनाऊंगी, ठीक है। देन आफ्टर उसमें मैं कलर्स भी फिल करूंगी और सेम डिज़ाइन में मैं कैलीग्राफी वर्क भी करूंगी, तो आप चाहो तो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आफ्टर फ्रेंड्स, अगर रिवीजन वर्क हम देखें तो ड्रॉ अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ टू और थ्री फॉर्म्स ऑफ योर चॉइस इन योर आर्ट बुक एंड फिल कलर्स इन इट। यूज पेंसिल कलर्स और पेस्टल कलर्स फॉर पेंटिंग। सो बच्चों, आपको एक रेक्टेंगल फर्स्ट ड्रॉ करना है, उसमें आपको दो या तीन फॉर्म्स अपनी चॉइस के लेने हैं,
जो आप अपनी स्केचबुक में ड्रॉ करोगे, एंड देन आफ्टर आपको कलर्स फिल करने हैं। आप चाहो तो कैलीग्राफी वर्क भी कर सकते हो। सो दिस रिविजन वर्क यू हैव टू डू इन योर स्केचबुक, और पेज नंबर 27 भी आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ डेमोन्स्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक सर्कल में ट्रायंगल एंड हाफ सर्कल को ड्रॉ किया है, और जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे तीन स्लांट लाइंस का यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट किया है। नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं पेंसिल कलर से कलर फिलिंग करूँगी, एंड देन आफ्टर स्केच पेन से कैलीग्राफी वर्क करूँगी। सो अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। नाउ इन बैकग्राउंड, तो जो आपको बाहर का एरिया दिख रहा है, जो शेप्स है उसके अलावा, ठीक है, तो ट्रायंगल और सर्कल को छोड़ के बैकग्राउंड में मैं लाइट कलर्स यूज़ करूँगी। तो कूल कलर्स यूज़ करूँगी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग लाइट ग्रीन से किया है। सो एज यू नो, यू हैव टू अप्लाई कलर्स इन वन डायरेक्शन, देन आफ्टर अनदर कलर आई टेक वायलेट। सो फर्स्ट आप ऐसे आउटलाइन भी कर सकते हो। तो जितने भी एरिया में आपको कलर करना है, जो भी एक एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको आपको ऐसे आउटलाइन करनी है। नाउ इन वन डायरेक्शन ऐसे आपको कलर फिलिंग करनी है। नाउ अनदर एरिया विथ लाइट ग्रीन कलर। सो यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने सिर्फ दो कलर्स यूज़ किए हैं, लाइट ग्रीन एंड वायलेट। सो यहाँ पे मैं वायलेट करूँगी और ये लाइट ग्रीन से। सो फ्रेंड्स, विदाउट लिविंग वाइट स्पेस आपको अच्छे से कलर फिलिंग करनी है। ओके, बैकग्राउंड इज फिल्ड। नाउ वी हैव टू फिल शेप्स। सो यहाँ पे मैं वार्म कलर्स यूज़ करूँगी, जिसमें मैं रेड, येलो, ऑरेंज ऐसे कलर्स फिल करूँगी। सो आई स्टार्ट विथ रेड कलर।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे येलो और यहाँ पे रेड। अब ये पोर्शन येलो एंड दिस वन रेड। We'll start yellow color. So one by one सारे एरिया में हम येलो कलर करेंगे। तो बच्चों आप चाहो तो ऐसे ज्योमेट्रिक शेप्स जो हमने अंदर डिज़ाइन की है उसमें लाइट कूल कलर्स ले सकते हो, और बैकग्राउंड में आप वार्म कलर्स ले सकते हो। सो आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स विल डू कैलीग्राफी वर्क। सो मैं स्केच पेन यूज़ करूँगी एंड देन आपको आपकी बुक में भी ऐसे अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगी। नाउ जैसे ये येलो एरिया में मैं रेड स्केच पेन से, या फिर यू कैन टेक ऑरेंज आल्सो, ऐसे वीवी लाइंस का यूज करूंगी। Now in this area I'll just put dots, okay? So आपको ऐसे पास पास dots भी रख सकते हो। आप चाहो ऐसे different different lines का use करके calligraphy work कर सकते हो। अगर आप स्केच पेन नहीं यूज़ करना चाहते हो यू कैन यूज़ ब्लैक स्केच पेन ऑल्सो, और सॉरी ब्लैक पेन ऑल्सो। नाउ ये सारी लाइंस एक पॉइंट पे मिलेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ इन दिस एरिया आई विल यूज़ डैश लाइन, ओके?
सो चिल्ड्रन, आपको भी ऐसे ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट करनी है विथ कलर फिलिंग एंड कैलीग्राफी वर्क. सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इन न्यू वीडियो. थैंक यू.